आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप ट्रॉफी प्लस लूट भर भर के ले सकते हैं, वो भी TH11 के बेस पर। ये मेरा इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है, बाकी सेकंड चैनल में मैं तो शॉर्ट्स अपलोड करता ही हूँ। और आप मेरा बेस थोड़ा देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्वीन और वार्डन को अपग्रेज में बैठा रखा है। और आपने मेरा ट्रूप्स तो देख ही लिया है, 8 इलेक्ट्रो के साथ 2 बैलून्स एंड साथ में 5 लाइटनिंग और 2 फ्रीज और 2 रेज। तो इसी के साथ हम बहुत सारे लूट करेंगे प्लस ट्रॉफीज भी लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरा बारबेरियन किंग जो है ये 22 का है। तो यहाँ पे अपना जो CWL चल रहा है इसमें मैंने चौथे नंबर को पूरा 100% ले रखा है, उसका अच्छा खासा बेस था 11 का। और अपना गिल्ड देखिए, मतलब अपना क्लैन अभी टॉप 3 पे है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बेस सर्च करते हैं। A few moments later. तो बहुत देर के ढूंढा ढांडी करने के बाद हमें अभी एक बेस मिला है जो बहुत ही आसान है, लूट भी बहुत अच्छी खासी है और प्लस 26 ट्रॉफीज है। तो यहाँ पे अभी हमें ये देखना होगा कि लूट जो है वो स्टोरेज में या फिर माइंस में। तो यहाँ पे हमें दिखा कि जो एलेक्सर के स्टोरेज में कुछ लूट थी, बाकी गोल्ड के स्टोरेज में कुछ भी नहीं थी, इसलिए हमने पहले माइंस को क्लियर करने का सोचा। तो यहाँ पे हम जो है पहले थोड़ा साइड के थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे एयर स्वीपर जो है वो हमें बहुत प्रॉब्लम भी देती है, मतलब जब अपना इलेक्ट्रो फोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो साइड के जो है वो बहुत ज़्यादा ही खाली हो गया है, अपना जो ये काम कर रहे हैं बहुत बहुत हद तक लूट भी कर लिया है। 5 लाख प्लस लूट तो हो ही गया है, अभी बस हमें ट्रॉफीज को लेना है। तो यहाँ पे जो अपना लूट तो हो गया, अपने ट्रॉफीज में फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इस एयर डिफेंस को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये बहुत ही घातक है यार। अपना इलेक्ट्रो फोर तो देता है, लेकिन साइड में जो इन्फोर्नो था वो सिंगल था, इसीलिए उसने अपना इलेक्ट्रो को तबाह कर दिया। तो ये आपने अपना तो इलेक्ट्रो अपना काम कर ही रहे हैं। तो हल्का हल्का हम यहाँ पे अभी चारों को एक साथ उतारेंगे, बाकी अपना पास वार्डन भी नहीं है क्योंकि उसको मैंने अपग्रेज में बिठा रखा है। तो यहाँ पे एयर स्वीपर बहुत प्रॉब्लम कर अपना इलेक्ट्रो को। तो यहाँ पे आप देखते रहे, यहाँ पे जो अब बारबेरियन को हमने राइट साइड में उतार दिया है। तो यहाँ पे बारबेरियन किंग अपना काम किए जा रहा है, अभी बस हमें बस थोड़ा सा कंपार्टमेंट बाकी है और अपना पास 4 ड्रैगन्स है, तो हमने इसे उतार दिया है साथ में 2 बैलून्स भी। तो यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रो है ये अभी पहले आर्चर टावर पे चले गए, अभी कुछ तो आर्मी कैंप में चलेगा और एक अपना जो इलेक्ट्रो ड्रैगन है वो बेस में चला गया। तो यहाँ पे जो अपना 2 एयर डिफेंस प्लस इन्फर्नो पूरा तंग कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रो ने उसको निकाल लिया, दोनों को ही निकाल लिया इलेक्ट्रो ने। अब बस टाउन हॉल को निकालना है। यहाँ पे अपना जो है सारे ड्रैगन्स चले गए बेस में, अभी बस एक वीज़ा टावर बाकी है, बाकी तो सब बेस अपना ही है। तो यहाँ पे वीज़ा टावर ने अपना एक इलेक्ट्रो को डाउन कर दिया। यहाँ पे अभी बलून्स जो है वो उसे अभी डिस्ट्रॉय कर लिए, और अभी साथ में अपना जो है अपना लूट भी पूरा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 99% ही एक गोल्ड स्टोरेज लास्ट है, इसको बस फोड़ना है अभी, तो ये भी अभी टूट जाएगा। और अपना जो देखिए बहुत घातक लूट मिला है प्लस 26 ट्रॉफीज, वो भी TH11 के बेस पर, और जो अपना अटैक था वो भी पूरा इजी था। तो अभी हम अपना बेस में रिटर्न आ चुके हैं और अभी अपना आर्मी को ट्रेन में बैठा दिए। तो और अपना यहाँ पे 10,000 डार्क एलेक्सर्स पड़े हुए थे, तो हमने कुछ किया नहीं। अभी वार फोर नेक्स्ट जो अपना CWL का वार है वो है इस अरबिक टीम के साथ जो सेकंड पोजीशन में अभी बैठी हुई है। तो अभी अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी कर देना इस वीडियो को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और भी ऐसा वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको COC के और भी वीडियोस देखने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।